उत्तराखंड में बारिश से भारी तबाही मची हुई है। अलग अलग जगहों पर तेज ओले और बादल फटने की घटना में अब तक 30 लोगों के मारे जाने की खबर है। पिथौरागढ़ के भागी चौरा के पलतड़ी गांव में बादल फटने से 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 लोग लापता हैं। चमोली में 9 लोगों की मौत हो गई है। यहाँ के सिर्फ घाट ब्लॉक में 3 लोगों के बहने की भी खबर है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की भी आशंका है। यहाँ दर्जनों मवेशी लापता है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। अलकनंदा और कई सहायक नदियां उफान पर हैं। स्थानीय लोग सरकार और प्रशासन से नाराज हैं। इनका कहना है कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हकीकत में उनकी सुध लेने कोई नहीं आता। रात दिन कई गांव के लोग आपस में टोलियां बनाकर गायब हुए लोगों और मवेशियों को ढूंढ रहे हैं। प्रभावित इलाकों में NDRF की टीमें रवाना कर दी गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर NDRF की अतिरिक्त टीमें भी वहां भेजी जाएंगी। तो रेस्क्यू टीम्स यहां पर मौजूद हैं। मलबा हटाने की लगातार प्रयास चल रहा है और कई लोगों के इस मलबे में फंसे होने की, दबे होने की अभी भी आशंका है। कई लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है और कई लोगों की जान भी इसमें गई है। केदारनाथ और यमुनोत्री हाईवे पर हजारों लोग फंसे हुए हैं। बारिश लगातार हो रही है, ऐसे में जो राहत कार्य यहाँ पर चल रहा है उसमें मुश्किल हो रही है और लगातार ये बारिश रहेगी। मौसम विभाग की तरफ से भी ये कहा गया है कि अभी 2 दिन बारिश इसी तरह से रहेगी, जिस वजह से बेहद मुश्किल भरा होगा ये काम। एक बड़ी चुनौती वहाँ पर मौजूद टीम्स के लिए, रेस्क्यू टीम्स के लिए, क्योंकि ऐसी भारी बरसात में मलबा हटाना और लोगों को बचाना एक बहुत बड़ा काम है। अगले 72 घंटों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलकनंदा और अलकनंदा समेत कई सहायक नदियां उफान पर हैं। उत्तराखंड के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों से बारिश जारी है और बादल फटने के बाद से कई लोगों की जान चली गई है। कई लोग लापता हैं और कई लोग फंसे हुए हैं, जगह जगह पर बस फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। NDRF की टीम्स रवाना कर दी गई हैं और अतिरिक्त टीम्स और भेजी जाएंगी अगर ज़रूरत पड़ी तो। बारिश से बरसी है ये तबाही उत्तराखंड में। चमोली और पिथौरागढ़ में बादल फटने की वजह से अब तक 30 लोगों के मारे जाने की खबर है। चमोली में 9 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं, मलबे में दबे हुए हैं। 30 लोगों की मौत की खबर आ रही है और मौसम बहुत ख़राब है, जिस वजह से जो टीम्स वहां पर मौजूद हैं इन लोगों को मलबे से निकालने के लिए, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती अब बनता जा रहा है ये मौसम। क्योंकि जब तक मौसम सही नहीं होगा तब तक उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम से कम समय में निकालना बेहद मुश्किल होगा। चमोली और पिथौरागढ़ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर नदियाँ उफान पर है। बहुत चिंताजनक है और कई लोगों के दबे होने की आशंका है। कुछ निकाल दिए गए हैं, कुछ जिंदा भी निकले हैं। वहाँ पर आर्मी पहुँच चुकी है, पुलिस पहुँच चुकी है, ITBP भी कुछ देर में वहाँ पर पहुँच जाएगी, DM SSP आदि सब लोग पहुँचे हैं। उसी तरीके की स्थिति नौलड़ा में भी बनी है, घाट में, चमोली में अभी जो स्थितियाँ हैं वो चिंताजनक हैं। पीपलकोटी की तरफ से भी कुछ इस तरीके की खबरें आई हैं। बागेश्वर के इंटीरियर के इलाकों की भी हम जानकारी ले रहे हैं। राज्य में जगह जगह बादल फटने की घटनाओं से बहुत गाँव में नुकसान पहुंचा है, लेकिन सड़कें कुछ जगहों पर टूटी हैं, लेकिन अधिकांश जगहों पर हमने रेस्टोर कर दी हैं, फिर से यातायात आदि प्रारंभ कर दिया गया है और पूरी तरीके से राज्य में अलर्ट की स्थिति है। सब अधिकारी इत्यादि सब अलर्ट पर हैं। आपदा प्रबंधन तंत्र पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम कर रहे हैं।